अच्छा भाई, लास्ट जो हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी कि हम क्या करते थे जब लॉग आउट करते थे तो वो लॉग आउट नहीं होता था। सही है, ये हमारे पास वही वाली ऐप खुली हुई है जो लास्ट है। ये हमारा प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है और इसको मैं जब एम्प्टी कैशे करके रीलोड करता हूँ, ये अभी लॉग इन स्टेट में, और जब मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ तो स्टिल ये वापस डैशबोर्ड पर चला जाता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स की जो रिक्वेस्ट है ये केशे से उठ के आ जाती है और सर्विस वर्कर के केशे से आती है। ठीक है, इसको हमने लास्ट डिसेबल करने की कोशिश की थी लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा, बावजूद इसके कि मैं इसको वो पैरामीटर्स भी दे के भेज रहा हूँ कि नो केशे वगैरह और ये सारी चीज़ें मैं इसको दे के भेज रहा हूँ, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है कि अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये डिसेबल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें ना एस लगा हुआ है। सही है, आपको याद होगा जब हमने 5 principles पढ़े थे REST API के, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई आपकी जो रिस्पॉन्स है ना आपका, वो केशेबल होना चाहिए। तो असल में ये जो हमने किया हुआ है ना काम, के गेट प्रोफाइल की जगह गेट प्रोडक्ट्स किया हुआ है, एस वाला किया हुआ है, तो वो ये जितनी दफ़ा भी रिक्वेस्ट जाती है रिस्पॉन्स सेम आता है। सही है, तो वो एक्चुअली गूगल क्रोम शायद इसको समझ रहा है कि भाई ये ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे लग रहा है कि अप्रोप्रिएट API नहीं है। एक्चुअली में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब स्लैश प्रोफाइल भेजेंगे तो वो एक सिंगल प्रोफाइल होगी, पहली बात वो एरे नहीं होगा। ठीक है, दैट वुड बी अ डिफरेंट रिक्वेस्ट। तो और फिर जाहिर है जब बंदा लॉग इन कर रहा होगा तो जो बंदा लॉग इन करेगा उसकी प्रोफाइल आएगी, किसी और की प्रोफाइल उसमें नहीं आएगी। तो और क्योंकि वो एक एरे नहीं होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली उसको वो अलग तरह से ट्रीट करें। तो इस प्रॉब्लम को हम इस एनालॉजी पे हम छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं कि हम इन फ्यूचर जैसे ही इसको हम चेंज करके, अभी तो प्रोडक्ट्स जुगाड़ के तौर पे लगा हुआ था इसमें, क्योंकि हमारे पास प्रोफाइल गेट करने की API बनाई नहीं है हमने अभी तक। तो हम अभी क्या करते हैं, इसको प्रॉब्लम को यहीं छोड़ के हम आगे चलते हैं और कंप्लीट करके दोबारा इसके ऊपर वापस आ जाएंगे अगर ये उसके बावजूद भी प्रॉब्लम करें। बट मेरा ख्याल है कि शायद जैसे ही हम इस पर प्रोफाइल की API लगाएंगे ये सेट हो जाएगा खुद ही। ओके, तो हम ज़रा अपने सर्वर पे नज़र डालते हैं कि अभी तक हम क्या बना चुके हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की API है, उसके बाद प्रोडक्ट की API है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो कुकीज़ हैं, हम ऑथेंटिकेशन में चलते हैं और लॉगिन करते हुए कुकीज़ में हम क्या क्या रखवाते हैं वो ज़रा हम देख लेते हैं। तो हमारे पास कुकीज़ के अंदर जो टोकन है हमारा GWT का, उसमें बंदे की ईमेल मौजूद है और उसमें बंदे का _ID मौजूद है। ठीक हो गया, तो अभी जब भी क्या होगा, देखो जहाँ पे हम इसको बैरियर लगाया हुआ है, जहाँ पे हमने और बैरियर लगा के हम आगे जहाँ पे गए हुए हैं, अभी इसको हमने डिवाइड कर दिया था डिफरेंट फाइल्स में, हमने ऑथेंटिकेशन की API अलग फाइल में कर दी है, फिर बीच में ये बैरियर है और उसके बाद की जो APIs है उसको हमने अलग फाइल में कर दिया है। तो भाई अगर इस क्लास में कोई है या वीडियो बाद में जो देखेगा उसको अगर ये नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे अलग हुआ है, तो लास्ट क्लास से भी लास्ट क्लास में हमने ये काम किया था, तो वो आपको देखनी पड़ेगी, अदरवाइज आज की क्लास भी आपको पता नहीं चलेगी। ये मैंने उस क्लास में बताया था कि इस पर वो कैसे पाइपलाइन गिरेगा और कैसे इससे फिर बाहर कैसे निकलेगा, मैं वो बताया पूरा, मैं कहना चाहूँ। सही है, तो तुम थे उस क्लास में, तो तुम्हें समझ नहीं आया। इसके अंदर जो 3 OPI है ना, वो तीनों में से कोई भी यूज़ नहीं है, पहली बात तो ये तीनों जो है वो पोस्ट की रिक्वेस्ट है इसके अंदर, इसमें यूज़ नहीं है कोई भी। इन तीनों से अगर हिट हो गया तो ठीक है, वरना वो वापस यहाँ पे आ जाएगा और फिर अगले पे जाएगा, फिर उसके अगले पे जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जब बैरियर में देखो हम करते क्या हैं, जब इसको हम चेक करते हैं कि क्या कुकी के अंदर टोकन मौजूद है। अच्छा, ये टोकन कैसे आ रहा है, ऊपर कुकी पार्सर लगा हुआ है, इसकी वजह से ये मुझे इसमें अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, और साथ में मैं फ्रंट एंड से जब क्रेडेंशियल ट्रू लगा के भेजता हूँ तो भी मेरे पास ये टोकन आता है। अगर मैं वहाँ से क्रेडेंशियल ट्रू ना भेजूँ तो ये मुझे यहाँ नहीं मिलना चाहिए। उसमें भी हमने एक रियलाइजेशन की थी कि जब HTTPS पे चलता है तो शायद वो खुद ही ट्रू कर करके भेज रहा होता है, लेकिन वेल हम उसको हाथ से ट्रू करेंगे फॉर द सेक ऑफ श्योरिटी। अच्छा, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं टोकन है या नहीं है, फिर हम इसको वेरीफाई करते हैं।
वेरीफाई करते हुए हम इसमें टोकन डालते हैं जो यूज़र ने अभी लेकर आया कुकी में, और सीक्रेट डालते हैं साथ में, और उस पर हमें क्या होता है ये डिकोडेड डेटा पूरा मिल जाता है जो टोकन के अंदर जो डेटा था। अच्छा, टोकन के अंदर डेटा वैसे भी पब्लिक होता है, उसको वैसे भी डिकोड कर सकता है कोई भी, तो डिकोडेड डेटा मिल जाता है मुझे। और अगर ये मैंने लगाया ना इफ़ नॉट एरर, तो इफ़ नॉट एरर है और डिकोडेड डेटा भी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो कुकी वैलिड है और उसके अंदर जो डेटा है वो स्टिल ऑथेंटिक डेटा है। सही है, तो इस डेटा को कोई चेंज नहीं कर सकता, ये हम बहुत अच्छे से हमने समझ ली ये बात, कोई चेंज करेगा तो ये फिर वैलिडेट नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा, फिर मैंने डिकोडेड डेटा पे कुछ लॉजिक्स लगाई हैं कि भाई उसका जो टाइम है अगर एक्सपायरी है वो इतने से आगे पीछे हो जाए तो आप क्या करो उसको टोकन एक्सपायर बोल दो उसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करके एल्स में यहाँ पे मैंने क्या किया आप नोट करें, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट स्मॉल टी से जो टोकन है उसमें ये पूरा डेटा मैंने रखवा दिया। तो अब जब ये पाइपलाइन से नीचे जाएगी ना रिक्वेस्ट, जब ये रिक्वेस्ट क्या होगी अब यहाँ से इधर जाएगी, जब प्रोडक्ट एपीआई के अंदर जब जाएगी तो इसके अंदर मुझे बॉडी में ना वो पूरा डेटा मिल रहा होगा। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बनाऊँगा ऐप डॉट गेट और स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश प्रोफाइल। अब ये मैंने प्रोफाइल क्या करवाया है, प्रोफाइल गेट करने की एक एपीआई बना दी मैंने, और मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक अदद फंक्शन सही है। और इस फंक्शन के अंदर अब मैं क्या करूँगा, असूलन तो ये होता है कि प्रोफाइल के बाद स्लैश करके ना मैं क्या मंगवाता, प्रोफाइल के बाद स्लैश करके मैं एक अंडर इसको ये आईडी मंगवाता ना ऐसे करके, है ना, कि भाई किसकी प्रोफाइल गेट करनी है उसकी आईडी बताओ। लेकिन ये जो एपीआई बन रही है ये उसकी खुद की प्रोफाइल गेट करने के लिए बन रही है। ठीक है, तो स्लैश प्रोफाइल होगा, दैट्स इट, वो उससे मैं उसके खुद की प्रोफाइल की आईडी नहीं मांगूंगा क्योंकि वो तो उसकी आईडी उसके टोकन में पड़ी हुई है, तो मैं वहाँ से उठाऊंगा। अच्छा, तो एक तो बनेगी ये कि उसके खुद की प्रोफाइल गेट करने के लिए, अगर किसी और की भी प्रोफाइल गेट करवाना चाहते हैं हम तो उसके लिए फिर ये एक और बनेगा। सही है, ये दो अलग अलग एपीआईज हैं। सही है, जहन में रखने की बात है, जिसमें सिर्फ प्रोफाइल तक होगा ना वो इधर हिट हो जाएगा और जिसमें प्रोफाइल के साथ आईडी होगा वो इधर हिट होगा। ये दो बिल्कुल डिफरेंट एड्रेस हैं, ये कभी भी एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। तो इसका मतलब है स्लैश प्रोफाइल जब वो लिखेगा तो उसको खुद की आईडी मिलेगी, स्लैश प्रोफाइल के साथ अगर वो स्लैश आईडी लगा के भेजेगा तो वो किसी की भी आईडी लगा के भेज सकता है, इवन वो अपनी भी भेज सकता है लगा के। ठीक है, तो ये हमारे पास दो एपीआई पॉसिबली हो सकती है प्रोफाइल गेट करवाने की। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये पहले वाले को ज़रा अपने अंजाम तक पहुँचाएँ। तो मैंने कहा कि भाई कॉन्स्ट अंडर स्कोर आई डी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट और टोकन, इसी में रखवाया था मैंने डॉट टोकन लगा, मैं क्या रखवाया था मैंने देख लेते हैं, टोकन में मैंने यहाँ ऑथ एपीआईज में जाना पड़ेगा मुझे लॉग इन करते हुए ना, मैंने जैसे रखवाया था एज इट इज़ मुझे वैसे ही मिलेगी, ये मेरा टोकन है अंडर स्कोर आई डी के नाम से ही रखवाया था मैंने। ठीक है, ईमेल भी मिलेगा मुझे और ये आई डी भी मिलेगी, और भी कुछ रखवाना चाहूँ तो मैं वो भी रखवा सकता हूँ, लोग इज एडमिन ट्रू व्रू सब उधर ही रखवा देते हैं। ठीक है, तो वो सही है, तो उसको चेंज नहीं कर सकता कोई, तो अंडर स्कोर आई डी मुझे यहाँ पे मिल गई इसकी। अब इस अंडर स्कोर आई डी से मैं क्या करूँगा, वो यूज़र गेट कर लूँगा मैं। अच्छा, यूज़र का मेरे पास कौन सा था, वो मैं यहाँ पे इम्पोर्ट करता हूँ, इम्पोर्ट डॉट स्लैश डी बी रेपो स्लैश मॉडल्स डॉट एम जे एस, राइट, और इसमें मेरे पास क्या था मॉडल, यूज़र मॉडल, बस सही, यूज़र मॉडल यहाँ पर आ गया। और मैं बोलूँगा अब यहाँ पे के यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन, और अच्छा फाइंड वन बाई आई डी भी बोल सकता हूँ मैं इसको ना, फाइंड वन बाई आई डी भी होता है, सही है, फाइंड वन बाई आई डी, तो फाइंड वन बाई आई डी भी कर सकता हूँ मैं, चाहूँ तो मैं जस्ट फाइंड वन भी कर सकता हूँ। फाइंड वन में मुझे ऐसे करके देना होता है आईडी, और जो फाइंड वन सिर्फ है उसके अंदर मुझे डायरेक्ट देना होता है, वो आप मोंगोस की डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं कि कैसे होता है। अच्छा, अभी तक हमने ये ऐसे ही करके देखा है ना, ये वाला, इस वाली रिक्वेस्ट को हम थोड़ा सा इसको और मज़ीद मॉडिफाई करते हैं, एसिंक वाला लगाते हैं इसमें। सही है, मैंने कहा फाइंड वन, और मैं इसको बोलूँगा कि भाई इसका जो रिस्पॉन्स है ना कॉन्स्ट
यूज़र इक्वल्स टू अवेट, और फिर मुझे इसको एसिंक बनाना होगा और मैं इसको बोलूँगा डॉट एग्जिट। तो इस तरह भी चल जाता है। ये अवेट जो है ये नई वाली जावास्क्रिप्ट है, न्यू, तो मोंगोस की लाइब्रेरी इसको भी सपोर्ट करती है। इससे पहले भी हमने फाइंड वन की क्वेरी लगाई है, लेकिन वो हमने कॉल बैक के साथ लगवाई थी। तो कॉल बैक सबसे पुराना है, उसके बाद प्रोमिसज आ गए थे डॉट देन करके जो हम लगाते हैं, और उसके लास्ट अभी तीसरा जो है वो अवेट है, सही है। तो ये सबसे लेटेस्ट वाला हम यूज़ कर रहे हैं, अवेट वाला। अच्छा, अब इसमें एरर कैसे पकड़ेंगे हम? जो कॉल बैक वाला है उसमें एरर कॉमा डेटा मिलता था, तो मैं चेक करता था इफ़ नॉट एरर। जो देन वाला है उसमें डॉट देन के साथ डॉट कैच लगता है, इसमें जो है ट्राई कैच लगता है, ठीक है। तो हम इसको हमेशा ट्राई के ब्लॉक में लिखेंगे इस पूरी बात को, और ट्राई के कैच में ही सारा गेम चलेगा। अगर ट्राई के ब्लॉक में किसी भी किस्म का कोई एरर आ गया इस क्वेरी में, या कोई वेरिएबल का नाम गलत वलत हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सीधा कैच के ब्लॉक में आ जाएगा। तो कैच के ब्लॉक में मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और स्टेटस भी लगाऊंगा साथ में मैं 500, ठीक है 500 लगाऊंगा, और यहाँ पे एक मैसेज बना के भेज दूंगा मैं कि भाई एरर हो गया, सही है। मैं बोलूँगा भाई कि समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन सर्वर, दैट्स इट। हम यूज़र को ना ज़्यादा नहीं डिटेल बताते कि सर्वर पे एक्चुअली हुआ क्या है, क्योंकि ये भी एक वल्नरेबिलिटी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा ना कि यार ये पूरा एरर में जो आया वो भेज दूँ अगर मैं, तो ये एक वल्नरेबिलिटी होगी कि क्योंकि हैकर इसको गलत तरीके से जब कॉल करेगा ना एपीआई को, तो उसको ये पता चल जाएगा कि अंदर क्या हो रहा है, हिंट्स मिल जाएंगे उसको, ठीक है। तो अब जब कभी इस तरह का हम कैच करते हैं ना, यानी जनरल एरर जब हम कैच करते हैं, तो उसमें हम ये नहीं बताते कि हुआ क्या है, हम बोलते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, और उस एरर को हम यहाँ पे कॉन्सोल करा देते हैं। सही है, इसको हमने कॉन्सोल करा दिया ताकि सर्वर पे हमें दिख जाइए, और यूज़र को हमने ये नहीं बताया कि क्या हुआ है। हाँ, ऑन अदर एंड अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी ना ट्राई के अंदर अंदर रहते हुए, फिर मैं एक मैसेज बना सकता हूँ कि भाई यूज़र नॉट फाउंड और इस तरह की कोई बात। अच्छा, तो अब मुझे इस यूज़र में क्या मिलेगा, या तो नल मिलेगा या तो यूज़र मिलेगा, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई अगर तो नॉट यूज़र है अगर, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 और रिटर्न उसके बाद, ठीक है। एल्स मैं बोलूँगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और पूरा यूज़र में यहाँ से भेज दूँगा। ये मेरी यूज़र की एपीआई बनके तैयार हो गई है। तो अब मैंने क्या करना है, ये ऐसे प्रोफाइल मैंने लगा देना है इधर आके ना, जो मेरा कोड था ना फ्रंट एंड का, तो यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, प्रोफाइल लगा देता हूँ, ठीक हो गया। ठीक है, ये अभी भी वापस जा रहे हैं, खैर हम अभी ये सारी चीज़ें कर लेते हैं जो हमें करने वाले जो आइटम है हमारे, वो हम सारे कर लेते हैं, और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे ये देख लेंगे कि क्या करना है। अच्छा, अब हमारे पास जो है यही सेम काम इस वाले में भी होगा, बट आईडी इसमें हम टोकन से नहीं उठा रहे होंगे, हम आईडी डायरेक्ट हम उस पर ले रहे होंगे। यही वाला ट्राई कैच मैं कॉपी करूँगा, एग्जैक्टली पूरा यही होगा। अच्छा, अब ऐसे केस में क्या होता है कि ये मैं एक्सप्रेस के सर्वर का आपको ना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ, अल्लाह करे समझ आ जाए आपको। ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन क्योंकि सेम है, समझ रहे हो, ये फंक्शन जो ये क्या है, ये सेम है दोनों के अंदर। तो क्या मैं इस फंक्शन को कट कर दूँ यहाँ से, और कट करके इसको मैं बाहर यहाँ बना दूँ, सही है। मैंने कहा भाई गेट यूज़र, एक फंक्शन मैंने बना दिया गेट यूज़र, और यहाँ पे भी मैं ये गेट यूज़र पास कर दूँ, और इधर भी यही यूज़र पास कर दूँ मैं, है सही नहीं है ये, अगर ऐसे हो जाए तो।
सही हो गया ना काम, ये बेहतरीन हो गया। लेकिन अब मुझे इस फंक्शन के अंदर एक लॉजिक लगानी पड़ेगी, एक लॉजिक ये लगानी पड़ेगी मुझे कि अगर टोकन के अगर रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स के अंदर अगर है तो वहाँ से उठाओ, अदरवाइज टोकन से उठाओ, है ना। फिर ये लॉजिक लगानी पड़ेगी मुझे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक लॉजिक लगाऊँगा, इसको पहले तो मैं रखूँगा खाली, लेट बनाऊँगा इसको, मैं कॉन्स्ट भी नहीं बना सकता, लेट इसको खाली रखा मैंने, और फिर मैंने कहा इफ रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आई डी अगर ये है, ठीक है, तो क्या कर दो अंडर स्कोर आई डी में ये रखवा दो, एल्स पे क्या रखवा दो, एल्स पे ये वाली बात रखवा दो, ठीक हो गया। समझ आ गया कैसे हुआ ये? मैंने यहाँ पे एक ही फंक्शन को दो राउट्स में लगा दिया है, गेट यूज़र इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, और अंदर जो मेरा ये फंक्शन था इसको मैंने ऐसा बना दिया है कि ये अब लॉजिकली दोनों को कंसिडर कर रहा है। मतलब इसको तो अंडर स्कोर आई डी चाहिए ना यूज़र को उठा के देने के लिए, तो अगर इसको पैराम्स में से मिलेगी तो वो ले लेगा ये, अगर पैराम्स में से नहीं मिली तो फिर टोकन में से उठा लेगा। तो अब इसको हम चला के देख लेते हैं यहाँ से, ये मेरे पास प्रोफाइल की रिक्वेस्ट जाती है, तो क्या चीज़ है, सारे ऑप्शन ही जा रहे हैं क्या, ये मेरे पास प्रोफाइल उठ के आ जाती है, सही है। अच्छा पासवर्ड भी इसके अंदर आ जाता है मेरे पास, नोट कर रहे हो, बावजूद इसके कि ये पासवर्ड हैश की सूरत में, लेकिन मुझे ये पासवर्ड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए इसका, मुझे इसका ईमेल नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तीन चीज़ अगर मुझे मिले तो गुड इनफ है। क्रिएटेड ऑन भी मुझे हर दफ़ा नहीं चाहिए, सही है। तो अब मैं कैसे ये काम करूँगा, मैं करूँगा ईमेल फर्स्ट नेम लास्ट नेम, है ना। तो इसमें प्रोजेक्शन के नाम की एक चीज़ होती है, आप सब लोगों को पता है, तो इसमें मैं कॉमा करके क्या करूँगा, प्रोजेक्शन लगा दूँगा यहाँ पर। मैंने कहा कि भाई ईमेल चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, और लास्ट नेम चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, इन तीनों में से ही लेकर आएगा, पूरा का पूरा उठा के नहीं लाएगा ये। पकड़ा इसमें, हाँ देखो अब ये पूरी चीज़ नहीं ला रहा, ठीक है, अंडर स्कोर आई डी लेकिन स्टिल लेकर आ रहा है ये। वेल अंडर स्कोर आई डी वैसे भी हमारी पब्लिक है तो उसका इतना इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा मैं चाहूँ तो यहाँ से अंडर स्कोर आई डी को भी मैं माइनस करवा सकता हूँ, अंडर स्कोर आई डी को भी मैं माइनस करवा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं करवा नहीं सकता। मैंने एम टी कैश हार्ड रीलोड किया, वो भी गायब हो गया, ठीक है, तो चाहूँ तो मैं करवा सकता हूँ उसको भी, मैंने माइनस कर दिया उसको, ठीक है जी। तो ये गेट यूज़र हमारा बन गया, ये गेट यूज़र हमारे ऐप के स्टार्ट होते ही चलेगा, और ऐप के स्टार्ट होते ही डेटा अपना लेकर आ जाएगा सारा। अच्छा एक चीज़ मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या मैं एक्सप्रेस के रिस्पांस में भी नो केशे बता सकता हूँ क्या, हाउ टू डिसेबल वेब पेज केशिंग, अच्छा रिस्पांस डॉट सेट, रिस्पांस भेजते हुए भी मैं केशे बता सकता हूँ कि भाई आप केशे में इसको स्टोर मत करना, ठीक है। तो मे बी हम ये भी ज़रा यहाँ से भी लगा देते हैं कि भाई केशे ना करो इसको, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा इन्होंने दोस्त ने एक जवाब दिया है जिसको किसी ने भी अपवोट नहीं किया, अच्छा नो केशे करके एक लाइब्रेरी भी है, तो फिर तो ये किसी को भी केशे नहीं करेगा। केशे कंट्रोल नो स्टोर व्यू केशे, तो ये काफ़ी सारे लोगों ने तरीके बताए, लेकिन मुझे ये सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है कि रिस्पांस भेजने से पहले इसको आप बता दो कि भाई ये इसका केशे आपने नहीं करना, ठीक है।
तो ये भी ज़रा हम लगा के ट्राई कर लेते हैं कि रिस्पॉन्स जब मैंने भेजा है यहाँ पे यूज़र का उठा के, तो इससे पहले मैंने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स में ये हेडर्स सेट करवा दिए कि केशे कंट्रोल नो केशे नो स्टोर मस्ट रीवैलिडेट प्रॉक्सी रीवैलिडेट। अब इन सब का मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ख़ास तौर पे प्रॉक्सी रीवैलिडेट का मतलब क्या है। ठीक है, प्रैग्मा नो केशे एक्सपायर ज़ीरो का मतलब है कि इसका जो रिस्पॉन्स जाएगा जब ब्राउज़र में, तो उसको अगर केशे किया जाएगा तो उसको इतने सेकंड बाद एक्सपायर कर देना, तो ये उसको ज़ीरो इस वजह से किया है। और ये सरोगेट कंट्रोल में भी नो स्टोर लिखा हुआ है, पता नहीं इसका क्या मतलब है। वेल, लगाकर इसको हम देख लेते हैं कि हमारा अगर ये मसला हल कर सकता है, अगर ये वाला ये ठीक है जी। मैंने इसको रिफ़्रेश किया, लॉग आउट किया मैंने इसको, और उसके बाद दोबारा रिफ़्रेश किया, ये मसला अभी भी अपनी जगह है, सर्विस वर्कर से आ रहा है भाई, सेट है, कोई मसला नहीं है, हम इसको बाद में देखेंगे। हम इसको बाद में देखेंगे, इसको भी हटा देते हैं। अच्छा, एक दफ़ा यहाँ से मैं देख लूँ कि वो जो रिस्पॉन्स आता है उसमें क्या वाकई ये बात मेंशन हो रही है, रिस्पॉन्स हेडर ये वाला है हमारा। ठीक है, कैशे कंट्रोल नो स्टोर नो कैशे आ तो रहा है, वहाँ से एक्सपायर ज़ीरो भी आ रहा है, कीप अलाइव टाइम आउट 5 नो कैशे, सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो उसको फिर भी कैशे कर रहा है, उसको फिर भी कैशे कर रहा है। तो इसका हल भाई किसी को अगर मिले तो बता देना, तो अप्लाई कर देंगे इसको। अरे ये क्या हुआ, लॉग आउट के बटन पे ये टोकन काम नहीं कर रहा, लॉग आउट के बटन पे तो ये कुकीज़ को गायब ही नहीं कर रहा, वो वाला मसला हमारा दोबारा से शुरू हो गया। लॉग आउट के बटन को एक दफ़ा ज़रा नज़र मार लेते हैं क्या हुआ है इसमें। ओके, ये शायद हमारा ना पुराना कोड लगा हुआ है इसमें, क्योंकि लॉग आउट पे वो एक मैंने यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट लगाया था, तो वो इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि शायद जो क्लास वाला कोड है वो और ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, मे बी। अब मैं लॉग आउट करता हूँ और इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, अभी आ जा रही है। एमटी कैसे करता हूँ तो सेट हो जाता है, ये मसला हमारा अभी भी स्टिल है। लॉग आउट, रिफ्रेश रिफ्रेश, ये इसको स्टिल स्टोर कर रहा है यार। अच्छा, यहाँ पे ना इस बार ये एक एरर दे रहा है के प्रोविजनल हेडर्स आर शोन डिसेबल कैशे टू सी फुल हेडर्स, ओनली प्रोविजनल हेडर्स आर अवेलेबल बिकॉज दिस रिक्वेस्ट वॉज नॉट सेंट ओवर द नेटवर्क एंड इंस्टेंट वॉज सर्व फ्रॉम अ लोकल कैशे विच डज नॉट स्टोर द ओरिजिनल रिक्वेस्ट हेडर, डिसेबल द कैशे टू सी फुल रिक्वेस्ट। ये कह रहा है कि जब रिक्वेस्ट कम कैशे करते हैं ना, तो हेडर उसके साथ कैशे नहीं होता, सिर्फ उसके साथ में रिस्पॉन्स कैशे होता है।
मैं भी यही बात कह रहा हूँ। अच्छा ये कोड ऑब्वियसली ये कोड हमारा पुराना लग रहा है मुझे, तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये कि शायद लास्ट क्लास में जो मैंने कोड किया था वो इस रिपॉजिटरी में नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट क्लास वाले कोड में किया था, तो क्लास वाला कोड खोल के ये सारा का सारा कोड मैं वहाँ ले जाता हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन सा वाला कोड मेरा लेटेस्ट है। ओके गॉट इट, इसको सबको मैंने कर दिया डिलीट, सही है जी, और यहाँ से सारा का सारा कोड मैं कॉपी करके उधर जब पेस्ट करूँगा तो गिट की वजह से मुझे ऑटोमेटिकली डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। जो अलग से मैंने रिपॉजिटरी ओपन की हुई थी इसको मैं बंद भी कर देता हूँ, ठीक है, ये जो जे डब्ल्यू टी डेमो अलग से मैंने खोला हुआ था इसको मैंने बंद कर दिया और मैं ओरिजिनल रिपॉजिटरी में आ गया हूँ। अच्छा अभी मैं डिफरेंसेस ज़रा चेक कर लेता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है। ये तो अभी अभी मैंने काम किया, ये वो वाला काम है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑथ डॉट एम जे एस के अंदर यहाँ पर कुछ रिक्वेस्ट डॉट क्लियर कुकीज़ मैंने लगाई थी वो अभी सही है, तो ये मुझे चाहिए होगा ऑब्वियसली, रिक्वेस्ट डॉट क्लियर कुकीज़ ही सही है, प्रॉपर है, जिससे वो प्रॉपर काम कर रहा था, ठीक है, तो मैं ये वाला कोड वापस ले आता हूँ इसके अंदर, और तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है मेरे ख्याल में, तो इसको मैं एक्चुअली रिवर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में मैंने इसको रोका हुआ है सर्विस वर्कर को राइट नाउ, तो इसको रोकना नहीं है मैंने, को बगैर रोके नॉर्मल तरीके से चलाना है जैसे ही चलता है, ठीक है, सेट हो गया, ये भी ठीक हो गया, और इसमें क्या चेंजेस हैं? इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। एस डब्ल्यू डॉट जे एस में ये लॉग आउट पर कुछ काम किया हुआ था मैंने जो ऑब्वियसली चला नहीं था, तो मतलब सही है। अच्छा ये फैच का मैंने ये भी हटा दिया था, फैच का जो रैपर है ये भी वापस आ चुका है, इसका रैपर हटा देते हैं हम, ठीक है, फैच का रैपर हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ये असल में दो अलग अलग बनाने से ना ये प्रॉब्लम्स हुई हैं हमारे पास, ठीक है, लॉग आउट वाले की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे कुछ हुआ नहीं था, तो उसको भी मैंने सेव कर दिया। उसके बाद ऐप डॉट जे एस एक्स पे हमने क्या किया, अच्छा ये कुछ कोड हमने लिखा था ये भी चला नहीं था, ये हम केशे को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे और इवेंट लिसनर के ज़रिए भी हमने कुछ किया था लेकिन वो चला नहीं, तो ऑब्वियसली तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है जी, तो ये बिल्कुल सेम हो चुका है। अच्छा गेट प्रोफाइल जो है हम ऐसे वाले तरीके से किया था हमने, लेकिन वो एक ही बात है, उससे कोई इतना डिफरेंस नहीं है। एग्जियोस डॉट ये क्या किया है मैंने, कॉन्फिग, अच्छा अच्छा सही है, वो जिस तरीके से भेजा है तो फिर जाहिर है उस तरीके से फिर उसको हैंडल किया हुआ नीचे, ठीक है, तो ये हमारा कोड अभी वाला चाहिए। और कॉन्टेक्स्ट में मैंने क्या किया था, इसको लोकल होस्ट बना दिया था एक्चुअली इसको मैंने, ठीक है, ये लॉजिक हमें चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि वो HTTP और HTTPS पे ना वो कुछ जगहों पे ब्रेक हो जाता था, तो ये वाला लॉजिक जो है वो सही है, तो एक्चुअली ये भी हमें पुराना चाहिए, उसको भी मैं, अच्छा वो खुद ही रिवर्ट हो गया। अच्छा ऑथ डॉट एम जे एस में क्या हुआ है, ऑथ डॉट एम जे एस में कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा सही है,
ये हमने सारा कोड जो है दोबारा से चेक किया और अपडेटेड कोड करके अब इसको चलाऊंगा मैं। क्या लिखूंगा इसमें, cd 5 टैब cd 9 टैब और npm run dev, और अब फ्रंट एंड चलाने के लिए मैं कहूंगा cd web npm start। ठीक है, तो मैंने ये वाला कोड अब रन किया, जो अलग से रिपॉजिटरी बनाई थी उसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें जो सर्विस वर्कर है उसको अनरजिस्टर कर देता हूँ और केशे इसका क्लियर करके मैं दोबारा से रीलोड करता हूँ। अच्छा, इसको हम लॉगिन करते हैं, ये लॉगिन हो गया, रिफ्रेश, सही काम कर रहा है बिल्कुल, ये रिफ्रेश पे लॉग आउट करते हैं हम, और लॉग आउट करने के बाद जब इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो ये मसला हमारा अभी भी स्टिल वहीं पर है। ठीक है, मसला हमारा सॉल्व नहीं हुआ, मसला हमारा स्टिल वहीं है। अच्छा, ये फैच रैपर है जो ये परफॉर्म करता है ये चीज़ के भाई आपने ना क्या करना है। अच्छा, ये फैच रैपर कहाँ पर से आता है, ये हमारा जो वो है ना, ये डीडी क्यों आ रहा है? अच्छा, ये चीज़ें डिलीट हो गई हैं इसलिए डी लिखा हुआ आ रहा है। व्हाट डज इट मीन यार कि डी लिखा हुआ आ रहा है? ये शायद वीएस कोड मेरा ना, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ ये। वेल, हमारे पास ना ये वाली जो स्क्रिप्ट है ना, ये इससे लोड होता है, वो जो रैपर वैपर है ना फैच का, अगर मैं इसको हटा दूँ थोड़ी देर के लिए तो शायद ये हमारा मसला इससे सॉल्व हो जाए। एक्चुअली अभी तक हमें पता भी नहीं चल रहा था कि वो हो क्या रहा है, लेकिन अभी मुझे ये समझ आया कि ये इससे यहाँ से हो रहा है। वर्क बॉक्स इज नॉट डिफाइंड, असल में ये वर्क बॉक्स कहीं नीचे यूज हो रहा है। अच्छा, ये वर्क बॉक्स डॉट नेविगेट डॉट प्री लोड ये यहाँ पे यूज हो रहा है, वर्क बॉक्स डॉट राउटिंग। तो अगर हम ये हटाते हैं तो हमें फिर नीचे वाली वो चीज़ें भी हटानी पड़ेंगी, ये दोनों। लेकिन इंस्टॉल हमारा स्टिल काम करेगा क्योंकि इंस्टॉल इस वाले से चल रहा है इतने कोड से। तो ये वर्क बॉक्स को हमने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया अपने पास से। वर्क बॉक्स जो है वो गूगल का एक प्रोजेक्ट है, वो हमने लास्ट देखा था कि वो क्या चीज़ है। इसको अनरजिस्टर और एम्प्टी कैश हार्ड रीलोड, ये क्या हो रहा है, ये अभी भी एरर क्यों दे रहा है यार? अच्छा, ये तो एरर वो वाला आ रहा है कि जो प्रोफाइल गेट कर रहे हैं और वो नहीं हो रहा है, उस वाले की वजह से आ रहा है। वेल, अब हम अपना ये दोबारा से ज़रा चेक करते हैं कि मैंने लॉगिन किया, क्लोज, इसको रिफ़्रेश किया, प्रोफाइल आ रही है, ठीक है। और अब मैं लॉग आउट करता हूँ जैसे ही, तो ये लॉग आउट ही रहता है, ठीक है। तो ये वर्क बॉक्स का जो हमारा मैकेनिज़म था ना, वो गड़बड़ कर रहा था, जिसकी वजह से ये हो रहा था। अच्छा, अब हमने देखना ये है कि हमारा क्या वो काम कर रहा है अभी भी। इंस्टॉल वाला जो हमारा आइटम था, क्या वो चल रहा है अभी भी? नहीं, इंस्टॉल आना बंद हो गया मेरे पास, इंस्टॉल का ऑप्शन जो है ना मेरे पास शो होना बंद हो गया। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक और भी फेच करके था, ज़रा उसको देखते हैं कि वो यहाँ पे नीचे एक और भी आइटम ना फेच करके था वो। वो हम चलो PWA बिल्डर से दोबारा उठा लेते हैं ना, जाएंगे हम PWA बिल्डर से दोबारा उठा लेते हैं।
ये हमारा था ना लास्ट वाला फेच, इसको वापस ले आते हैं क्योंकि ये वो है जो हमारे पेजेस को कैशे करता है, ये फेच वाला। तो हमें लग रहा था कि शायद यही हमारे उसको भी रिक्वेस्ट को भी कैशे कर रहा हो, इसलिए हमने इसको हटा दिया ना। तो उसको हम वापस लाते हैं एक एक करके। इंस्टॉल का बटन हमारा वापस आ चुका है, सही है। अब हमने लॉगिन किया और रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश, सही है। सर्विस वर्कर में अब कैशे वाला वो गायब हो चुका है जो पहले आ रहा था। लॉग आउट, रिफ्रेश, सेट हो गया मसला। अच्छा, क्या स्टिल हमारे पेजेस को ये कैशे कर रहा है? ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसको ऑफलाइन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन में गया, मैंने कहा ऑफलाइन, और ऑफलाइन करके मैं साइनअप पे जाता हूँ, लॉगिन पे जाता हूँ, सही जा रहा है, सही है। तुम्हारा PWA वाला जो मैकेनिज्म था वो भी है, वो वर्क बॉक्स ने जो है ना कुछ ब्रूटल कुछ कर दिया था। मेरा बच्चा तीनों चारों इधर देख रहा हूँ मैं, सही है। लॉगिन साइनअप पे भी जा रहा है, बट ये लॉगिन ऑब्वियसली जब तक ये ऑफलाइन है लॉगिन काम नहीं करेगा। लॉगिन की रिक्वेस्ट करूँगा तो काम नहीं करेगा। ऑफलाइन हटाया मैंने, लॉगिन किया, सही है। और मैं यहाँ जो डिफरेंट पेजेस हैं इस पर मैं चला जाता हूँ, एक एक बार चला गया तो कैशे में वो आ गया। अब मैं ऑफलाइन करता हूँ और अब मैं जाता हूँ तो वो अभी भी जा रहा है, सही है, तमाम पेजेस पे जा रहा है। रिफ्रेश भी हो जाएगा आई थिंक, ये नहीं, रिफ्रेश पे ऑफलाइन आ गया, सही है। लॉग आउट करके ऑफलाइन करूँगा मैं और रिफ्रेश करूँगा तो ऑफलाइन आ गया। ये विद बैकअप ऑफलाइन पेज वाला था ना ये, तो पता ये चला हमें कि ये जो ऊपर वर्क बॉक्स है क्या चीज़ वाला, हाँ कन्वर्ट किया था, लेकिन वो एक अनसर्टेनिटी थी ना कि वो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वो अभी पता चल गया है। तो अब उसमें से आप अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करके करेंगे तो वो हो जाएगा। बैकअप ऑफलाइन पेज वाला मैंने किया था, ऑफलाइन HTML, फिर मैंने दो तीन चेंज करके भी देखे थे, लेकिन ये मसला आइडेंटिफाई स्टिल नहीं हो पा रहा था। अभी जो डी लिखा हुआ है इस पर, ये क्या बकवास है, ये मुझे लग रहा है VS कोड का इशू है। तो मैं VS कोड को क्या करूँगा, रीस्टार्ट तो नहीं करूँगा, मैं रीलोड करूँगा। यार कैसे होता है वो, फंक्शन F1 आ ही नहीं रहा। वेल विंडो में जाके शायद होता है ना, व्यू में होता है, कमांड पैलेट, हाँ ये रहा, रीलोड विंडो, सही है, अभी सेट हो गया हूँ। ऐसे ही बिला वजह आ रहा था मेरे ख्याल। अच्छा, अब हमने अगला अपना काम क्या करना है भला, कि हमने अगला काम क्या करना था यार, भूल गया मैं। हाँ, हमें रियल टाइम वाली चीज़ करनी थी ना, वो हमने नहीं किया अभी, ठीक है। सॉकेट आयो हमने करना था, वो हमने अभी तक नहीं किया। तो वेल ज़रा इसका भी हम प्रोफाइल ज़रा गेट करवा दें, सही है। लॉगिन करके अभी ये दिस इज़ होम आता है ना, तो जब ये प्रोफाइल पे जाता है, जब तो प्रोफाइल वाले पेज पे मैं क्या करवा देता हूँ। अच्छा, अभी प्रोफाइल के पेज पे एक्चुअली कुछ लगा हुआ ही नहीं है, तो प्रोफाइल के पेज पे इसका एक डेमो सा बना देते हैं और वो प्रोफाइल हम, इसके अलावा एक हम हेडर बना देते हैं नेविगेशन बार, जिस पे उसका ना बंदे का हर वक्त नज़र आता रहे कि कौन ये लॉगिन हुआ है। अच्छा, तो फ्रंट एंड का काम है ये, फ्रंट एंड में चलते हैं हम, SRC में चलते हैं, और ये app.jsx जो है ना, अच्छा ये आप लोगों की तरफ से सवालात भी आए थे तो उसको ज़रा गौर से देखो तो समझ आएगा कि जब मैं यहाँ पे यूज़ इफेक्ट में ना गेट प्रोफाइल मंगवाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि यूज़र लॉग इन, दैट्स इट। मैं यहाँ पे कोई डेटा नहीं भेजता हूँ, लेकिन मुझे असूलन यहाँ पे डेटा भी भेजना चाहिए ताकि वो कॉन्टेक्स्ट API में स्टोर हो जाए वो डेटा जाके, है ना।
तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा पेलोड और मैं लगाऊंगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। रिस्पॉन्स में जो भी डेटा आता है वो यहाँ पे मैं लगा दूंगा, तो वो जाके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में सिर्फ पेलोड लगाने से नहीं हो जाएगा, अब हम जाके ना हमें देखना भी पड़ेगा कि उधर हुआ वह क्या है। ये डिस्पैच जो मैं करता हूँ ना यूज़र लॉगिन, इसमें टाइप और पेलोड अब दो चीज़ें देता हूँ, तो मुझे इसका रिड्यूसर फंक्शन जो है वहाँ पे भी दोनों को हैंडल करना होगा। तो मैं कॉन्टेक्स्ट में गया, रिड्यूसर में गया, यूज़र लॉगिन है ना, अब यहाँ पे मुझे कैसे करके मिलता है कि इस लॉगिन तो ट्रू मैंने हर हाल में करना ही करना है। उसके अलावा मुझे स्टेट डॉट मैंने क्या नाम रखा हुआ है उसका, यूज़र, कॉन्टेक्स्ट में जाके देख लेता हूँ। ये यूज़र है ना मेरा जो कि इस वक्त एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, तो इसमें मैंने वो चीज़ रखवानी, तो मैंने कहा स्टेट डॉट यूज़र और इक्वल्स टू, अब उसमें एक नया डेटा डालना चाह रहा हूँ मैं, है ना। और स्टेट डॉट यूज़र में अब मैं नया डेटा क्या डालूँगा, एक्शन डॉट पेलोड, राइट, एक्शन डॉट पेलोड में जो भी चीज़ आई है वो मैं यहाँ पर रखवा रहा हूँ। हाँ, स्टेट डॉट लिखना ज़रूरी है ना, इस लॉगिन, अच्छा हाँ सही कह रहे हैं, ये तो मैं ऑब्जेक्ट के अंदर हूँ ना, स्टेट डॉट लिखना ज़रूरी नहीं है, सही कह रहे हैं, ये तो मैं लॉगिन ऑब्जेक्ट के अंदर हूँ एक्चुअली मैं। वेल, तो ये हमने इस पर रखवा दिया, तो अब इससे होगा क्या कि जैसे ही लॉगिन परफॉर्म होगा तो मेरे पास जो स्टेट है, अच्छा स्टेट को मैंने कहीं पर कंसोल नहीं करवाया हुआ है ना, स्टेट को मैंने कहीं कंसोल नहीं करवाया हुआ, तो मैं काम करता हूँ किसी जगह पे ना स्टेट को ज़रा कंसोल करवा देता हूँ, यहाँ पे करवा देता हूँ। सही है, पूरी स्टेट को मैंने कंसोल करवा दिया, पूरी स्टेट को जैसे ही मैंने कंसोल करवाया है तो अब देखो मैं इसको पहले तो लॉग आउट कर देता हूँ, सही है, लॉग आउट कर दिया मैंने। अब जब मैं लॉग इन करूँगा ना जैसे ही, तो देखो स्टेट में क्या आ जाएगा, स्टेट में, अरे ये यूज़र नल क्यों है अभी तक, ये क्या मसला है, गेट प्रोफाइल, अच्छा ये यूज़र नल इस वजह से है क्योंकि मैंने लॉगिन पे वो काम नहीं करवाया, मैं जब यहाँ से रिफ्रेश करूँगा ना तब उसमें जाएगा डेटा, सही है, रिफ्रेश करने पे जा रहा है, तो मुझे लॉगिन करने पे भी ये काम करवाना है ना, लॉगिन करने पे भी मुझे ये सेम काम करवाना है, ये तो रिफ्रेश पे हो रहा है ये वाला काम, जब लॉगिन क्लिक होता है तो उस पर ये काम नहीं हो रहा, तो मुझे लॉगिन के कहाँ पे जाके ये काम करना होगा, लॉगिन के कंपोनेंट में जाके भी ये काम करना होगा कि जब लॉगिन परफॉर्म हो ना, देखो पेलोड में नल भेजता हूँ मैं यहाँ पर, तो पेलोड में नल भेजने के बजाय रिस्पॉन्स डॉट डेटा भेजूँगा, ठीक है। अच्छा, अभी इसके रिस्पॉन्स में क्या वो डेटा आता भी है या नहीं आता है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, लॉग आउट करता हूँ मैं और एक दफ़ा इसको ज़रा लॉगिन करके देखता हूँ कि लॉगिन पे भी फिर मुझे ज़ाहिर है वो यूज़र चाहिए होगा ना। लॉगिन करने में मैंने क्या मंगवाया, प्रीव्यू, अच्छा डॉट प्रोफाइल करके मंगवाया, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉट प्रोफाइल करके ही भेजूँगा, डेटा डॉट प्रोफाइल, सही है, तभी वो जा रहा होगा यहाँ से। हाँ, पेलोड में पूरा ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं भाई, बिल्कुल भेज सकते हैं। अब मैंने लॉग आउट किया, जैसे ही मैं लॉग इन करता हूँ तो स्टेट में मेरे पास क्या आ गया, ये पूरा यूज़र आ गया, और इवन दो कि अब मैं रिफ्रेश भी कर दूँगा तो क्या होगा, स्टेट में ये यूज़र रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा स्टेट से, तो ईमेल फर्स्ट नेम लास्ट नेम मुझे हर वक्त यहाँ पे मिलता रहेगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ऐप डॉट जे एस एक्स में जाऊँ और मेरा जो नेविगेशन बार बना है, कौन सा नेविगेशन बार, जो इज लॉगिन ट्रू के केस में बना हुआ आता है, इज लॉगिन ट्रू के केस में जो बना हुआ आता है, यहाँ पे जाके मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे ये फुल नेम क्या चीज़ है यार, ये मैंने क्या लगाया है, ओके ओके गॉट इट, ये मैंने लगाया था कि भाई ऐसे फुल नेम यहाँ पे लिखा हुआ होगा बंदे का, सही है। तो अब यहाँ पे फुल नेम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, स्टेट डॉट क्या था, ग्लोबल स्टेट का क्या नाम रखा है, स्टेट ही रखा है, स्टेट डॉट फर्स्ट नेम, हाँ स्टेट डॉट यूज़र होगा ना, स्टेट डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। तो ये देखो इंजमाम मलिक यहाँ लिखा हुआ है, अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो शुरू में वो खाली आएगा,
लेकिन वो फ़ौरन ही लिखा हुआ जाएगा। और ये आ कहाँ से रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई से आ रहा है, मैं किसी भी पेज पे चला जाऊँ ये रहेगा अपनी जगह पर। ठीक है, लॉग आउट कर दिया मैंने, रिफ्रेश किया इसको, अब मैं जैसे ही लॉग इन करूँगा, लॉग इन करते ही यहाँ पर ये लिखा हुआ गया, ये आया कहाँ से, कॉन्टेक्स्ट एपीआई से। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक ग्लोबल स्टोर है, लॉग इन होते ही मैं वहाँ पर पूरे यूज़र की प्रोफाइल रखवा देता हूँ और वो मुझे फिर पूरी ऐप में हर जगह मिल रहा होता है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट नेम और साथ में मैं लास्ट नेम भी रखवाऊँगा यहाँ पर ऑब्वियसली, ये लास्ट नेम भी रखवाऊंगा। अच्छा, इसमें मैं नलिश ऑपरेटर लाजमी लगाऊंगा सब जगह, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि स्टेट में हर दफ़ा मुझे ये वैल्यू मिल ही जाए, समटाइम हो सकता है मुझे ये वैल्यू ना मिले किसी भी रीज़न की वजह से, हो सकता है यूज़र ने लास्ट नेम दिया ही ना हो। मेरे केस में ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम में दोनों इंजमाम मलिक आ रहा है। लॉग आउट करता हूँ मैं, और ऐसा ही है क्या, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों में मैं यही बात रखी थी मैंने, हाँ यही रखा हुआ है, सही है, जो है डेटाबेस में वो एग्जैक्टली से सीधा सीधा आ जा रहा है। ठीक है, और तो ये नेविगेशन बार में मैंने क्या करवा दिया, इसको शो करवा दिया एक्चुअली। अच्छा, नेविगेशन बार मेरी थोड़ी ऐसे है तो उसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ क्योंकि वो बहुत ही वाहियात लग रहा है वैसे। तो मैं क्या करूँगा, नेव बार में जाऊँगा, इसकी एक CSS भी है ना मेरे पास, app.css, तो इसमें नेव बार नहीं बनाया हुआ मैंने, नेव बार बना देता हूँ ज़रा, सही है, और नेव बार बना के मैं क्या कह देता हूँ इसको कि डिस्प्ले फ्लैक्स, जिससे वो क्या हो जाएगा, ऐसे सीधा हो जाएगा। और इसका वो डॉट हटाने के लिए क्या करूँगा मैं, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, सही है, लिस्ट स्टाइल गायब हो गया। और मैं क्या करूँगा, बॉर्डर 1 pixel सॉलिड ब्लैक। ठीक है, अच्छा ये तो बॉर्डर तो उस पर लगेगा ना, इसके चिल्ड्रन पे लगेगा, कट डॉट नेव बार के अंदर जो जो एल आई है, ये इस पर लगेगा, सही है, इस पर लग गया ये। अच्छा, और मैं क्या बोलूँगा कि भाईजान आप थोड़ा थोड़ा दूर भी हो जाओ, मार्जिन ले लो आप 10 pixel का, सही है, 10 pixel का मार्जिन हो गया। और मैं उसको बोलता हूँ कि भाई आप पैडिंग भी क्या कर लो, ये भी ले लो आप, सही हो गया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन भी कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, सही है, हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा कम हो गया, तो मैं जो पैडिंग है मेरी वो हॉरिजॉन्टली थोड़ी सी कम है, वर्टिकल थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं पैडिंग में क्या बोलूँगा कि भाई आप इस तरफ से ना 20 pixel लो, ऐसे यूँ ऐसे ना हॉरिजॉन्टली 20 pixel ले लो आप। तो मैंने इसको काइंड ऑफ थोड़ा कोशिश की है कि नैव बार जैसा दिखेंगे, सही है, पहले ये नैव बार जैसा नहीं, पता नहीं कुछ और ही दिख रहा था। अच्छा, अभी ये जो ये वाली बात है ना, और लॉग आउट और ये जो दोनों हैं, मैं चाहता हूँ कि एक स्क्रीन के इधर हो जाए, दूसरा स्क्रीन के उधर हो जाए, तो ज़रा देख लेते हैं कि पहले ये अभी है किस सूरत में। तो मेरे पास एक अदद ये UL है, और उसके अंदर UL के अंदर LI करके है ये सारा, ठीक है, लेकिन मुझे एक पार्ट को क्योंकि पूरा दूसरी साइड पर भेजना है, तो मुझे उसको कुछ ना कुछ अलग में रैप करना होगा, और ऑब्वियसली ये LI है भी नहीं, मतलब ये नेविगेशन बार का एक आइटम नहीं है, नेविगेशन बार के आइटम के अलावा है, तो मैं इसको इस UL से बाहर निकालूंगा एक्चुअली, सही है, या क्या ऐसा किया जाए कि ये दूसरी तरफ चला जाए, हाँ नहीं, इसको UL से मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, UL से बाहर निकाले बगैर मेरा ख्याल है कि कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो मुझे फिर उसके लिए करना ही होगा असल में कि एक डिव बनाना होगा यहाँ पे ना, एक डिव होगा मेरे पास, और जो मेरा जो नेव बार का जो क्लास है ना वो इस डिव पे लगी हुई होगी, सही है, वो इस डिव पे होगा एक्चुअली, और यहाँ पे ये एक डिव क्लोज हो रहा होगा, सही है, तो अब ये नेव बार असल में ये डिव है,
जो क्लास के एतबार से सही है। अच्छा एक बात और, यहाँ पर नैव का एक वो भी लगता है टैग जो कि ज़रूरी है, राइट। नैव का एक टैग भी लगता है जो कि ज़रूरी है, और इधर भी मैंने ये काम नहीं किया है, इधर भी ये काम करना था मैंने कि एक नैव बार का ना एक टैग लगाना होता है, जो ये एक सिमेंटिक टैग है एक्चुअली, तो इसको लगाना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो कुछ चीज़ों को ना समझ नहीं पाता इसके बगैर में। सिमेंटिक टैग्स आपको वैसे तो पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सर्च इंजन वगैरह को उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो मैं इसका भी क्लास उठा के क्या कर देता हूँ, किसको नैव कर दूँ, हाँ तो ये नैव मैंने इसको बना दिया, और ये ज़रूरी भी था एक्चुअली, ये डिव की तरह ही बिहेव करता है नैव का जो टैग होता है, और इसको मैंने क्लास को यहाँ कर दिया। अच्छा तो ये यू एल हो गया एक, अब यू एल के बाद मैं क्या करूँगा, एक डिव यहाँ पे और बना दूँगा मैं, ठीक है। और ये जो आइटम है हमारा, ये जो नाम और ये बटन जो है, ये सारा मैं कट करके इस डिव के अंदर मूव कर दूँगा ना, ठीक है, इस डिव के अंदर मूव कर दूँगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस यू एल को मैं बोलूँगा स्क्रीन के इधर हो जाओ, इस डिव को मैं बोलूँगा स्क्रीन के उधर हो जाओ, तो ये मेरा मसला इस तरह से हल हो गया, ठीक है। अच्छा ये वाला पार्ट जो है ऑब्वियसली वो लॉग इन फॉल्स के केस में ये पार्ट होगा ही नहीं मेरे पास, ठीक है, ये पार्ट सिर्फ लॉग इन ट्रू वाले केस में होगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, स्टाइलिंग को थोड़ा सा चेंज करना है, डॉट नैव बार को जो मैंने बोला है ना डिस्प्ले फ्लेक्स, तो अब मैं क्या बोलूँगा, डॉट नैव बार के अंदर जो यू एल है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करवाया है मैंने एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पे भी ये चीज़ ऐड हो जाएगी कि भाई एक यू एल है उसके अंदर एल आई है, और ऐसे करके हुआ है, देखते हैं ज़रा। तो ये सारा कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सेम है, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है कि हाँ इसको भी करना होगा, दोनों को करना होगा, डॉट नैव बार को भी मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स करना होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही ऐसे हो गया, और जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, हाँ स्पेस बिटवीन, करेक्ट, ताकि दोनों दो कोने पे चले जाएं। अच्छा स्पेस बिटवीन नहीं होगा इसमें, स्पेस अराउंड होगा, वो बहुत ज़्यादा चिपक जा रहा है कोने में, अदरवाइज फिर मुझे ना कुछ उसमें मार्जिन वार्जिन कुछ चपकाना पड़ेगा, सही है। अच्छा फ्लैक्स रैप भी नहीं हो रहा है, तो फ्लैक्स रैप भी इसको करवाना पड़ेगा मुझे, फ्लैक्स रैप रैप, ठीक है, ताकि जब ये छोटा हो ना तो ये नीचे आ जाए स्क्रीन के, जब जगह कम हो जाए तो ये नीचे आ जाए, सही है। गायब भी करवा सकता हूँ मैं, नीचे आ जाए तो भी सही है, ठीक है। इस वाले पे भी मैं फ्लैक्स रैप लगा देता हूँ, ताकि जब स्क्रीन छोटी हो तो ये नीचे आ जाए, ठीक है। पहले ये नीचे आएगा, उसके बाद ये भी नीचे आएगा। अच्छा ये नीचे आने की सूरत में क्या कर रहा है, हाँ ये पंगे कर रहा है, सही है, और ये पंगा इस वजह से कर रहा है, दस दस पिक्सल ऊपर से मार्जिन नहीं देता, ये असल में कंटेनर से अपने बाहर आ जा रहा है, जो इसका कंटेनर है ना वो छोटा पड़ जा रहा है इसके लिए, ये वाला ओके ओके गॉट इट। मैंने एल आई को मार्जिन नहीं दिया हुआ, ये सिर्फ एंकर टैग को दिया हुआ है, तो मेरा जो असल में मार्जिन होना चाहिए वो एल आई पे होना चाहिए बजाय एंकर टैग पे होने के, ये मार्जिन पैडिंग वाला जो काम है मेरा वो असल में यहाँ होना चाहिए, ऐसा ही है ना, ये मार्जिन पैडिंग यहाँ होनी चाहिए, सही है। अच्छा फिर मेरा ये बॉर्डर रेडियस भी वहीं होना चाहिए, अच्छा एक प्रॉब्लम हुई है लेकिन इससे, अब वो सिर्फ अबाउट पे हाथ रख के करूँगा जब ही वो क्लिक हो रहा है, अदरवाइज वो क्लिक नहीं हो रहा, 100% हाँ इसकी विड्थ 100% करूँगा ताकि अपने नहीं यार नहीं हुआ, नहीं एक्चुअली होगा ये कि ये मार्जिन पैडिंग ना इस पे भी लगेगी और उधर भी लगेगी, दोनों पे लगेगी, सही है, पैडिंग यहाँ से कट करके मैं इधर लगा देता हूँ,
हाँ भाई ये क्या हुआ है गड़बड़, मार्जिन बाहर है पैडिंग अंदर है। अच्छा वो पैडिंग पैडिंग से जो है ना वो क्या कर रहा है कि धक्का नहीं मार रहा अपने पैरेंट को। सही है, वो पैरेंट को धक्का लगाने के लिए पता क्या करना होगा इसको, इसको हमें बोलना पड़ेगा भाई आपको इनलाइन ब्लॉक हो, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। सही है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करने से क्या होगा वो फिर अपने पेरेंट को ना धक्का मारेगा, अदरवाइज वो अपने पेरेंट को ना टच नहीं करता। अबे नहीं ना वो पूरे बॉक्स में क्लिकेबल नहीं हो रहा ना पूरा बॉक्स, मसला ये है। वो वैसे तो हो जा रहा है लेकिन जो आपका क्या था इनलाइन ब्लॉक। सही है, अब ये पूरा बॉक्स क्लिकेबल है ना या एजेस तक क्लिकेबल है, ये पहले ये काम नहीं हो रहा था। सही हो गया जी, अब हमारे पास ये नाम लिखा हुआ आ रहा है बंदे का और लॉगआउट का बटन आ रहा है हमारे पास, ठीक हो गया। तो इतना काम तो हमने कर लिया, परफेक्ट हो गया। अच्छा इसके नाम पे भी थोड़ी सी स्टाइलिंग लगा देते हैं, ठीक है नाम पे हम क्या स्टाइलिंग लगा देते हैं, बल्कि छोड़ो यार काफ़ी स्टाइलिंग कर ली हमने, ठीक है। मटेरियल यूआई भी सही है, मटेरियल यूआई भी हमने पढ़ी नहीं है अभी तक, वो भी पढ़नी है। नहीं वो थोड़ी सी पढ़ी थी हमने, थीम्स नहीं पढ़े उसके हमने, ठीक है थीम्स नहीं पढ़े उसके, और कलर शुरू में जो डिक्लियर कर देते हैं वो नहीं हमने पढ़ा। अच्छा अब अगला काम हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि वो जो क्रड ऑपरेशन हमारा हुआ हुआ था ना प्रोडक्ट का, वो हमने कहाँ पे लाना है, ये इधर होम पे उसको लेकर आ जाते हैं हम। चलो प्रोफाइल तो हमने इधर ही दिखा दी, प्रोफाइल के पेज पे भी दिखा सकते हैं, लेकिन चलो फिलहाल अभी समझ आ गया कि भाई जैसे ही पेज लोड होता है प्रोफाइल दिख जाती है बंदे की। अच्छा अगर मैं लॉगआउट करके एक दूसरा अकाउंट बना लूँ, साइनअप पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे मैं ABC नेम कर देता हूँ और वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर और साइनअप, साइनअप सक्सेसफुल, लॉग इन करता हूँ मैं 1 2 3 4 लॉग इन। तो ठीक है अब इसका नाम लिखा हुआ है बंदे का जो भी नया बंदा था, ठीक है ABC नेम। अच्छा ये मैंने सर्वर पे गड़बड़ की हुई थी, जब मैं साइनअप बना रहा था तो मैंने सिर्फ नेम लिया था और उसी को मैं फर्स्ट में और लास्ट में दोनों में रखवाता था, तो ये इस वजह से असल में ये दोनों में ना एक ही वैल्यू आ जाती है। अच्छा तो ये हमारा एक काइंड ऑफ डैशबोर्ड यहाँ पे तैयार हो गया। अब वो क्रड ऑपरेशन वाला पेज हमारा जो था ना उसमें हमने क्रड ऑपरेशन कौन से वाले में किया था यार, कुछ याद आ रहा है? क्रड ऑपरेशन हमने अबे नहीं भाई MongoDB में किया था, हाँ ये रहा ना MongoDB app.jsx में ही कर दिया था हमने, बाद में शायद इसका मैंने अलग से पेज बनाया था। बाद में इसका अलग से पेज नहीं बनाया था मैंने, वेल तो मैं क्या करता हूँ अब अपनी ऐप में आके एक मैं मे बी अलग से पेज बना लूँ। होम पे ही करते हैं यार, होम पे अभी क्या लगा हुआ है स्लैश पे, होम पे home.jsx लगा हुआ है, ठीक है ये लगा हुआ है होम पे। तो मैं क्या करता हूँ होम पे ये वाला पूरा लगा देता हूँ और सही है होम पे ना पूरा का पूरा मैंने ये लगा दिया। इसमें कुछ लाइब्रेरीज हैं जो मुझे ऑब्वियसली इंस्टॉल करनी होगी, यप है, यूज़ फॉर्मिक है, एक्जियोस है, ये चीज़ें मुझे क्या करनी होंगी इसमें इंस्टॉल करनी होगी। तो मैंने कहा npm i एक्जियोस यप फॉर्मिक, कुछ चीज़ें पहले से इंस्टॉल होंगी लेकिन चलो दोबारा हो जाएगी, मेरा ख्याल यही है। तो ये मैंने तीनों इंस्टॉल कर दिया एक ही साथ ताकि अगर कोई भी मिस हो तो वो खुद ही हो जाए इंस्टॉल। और इसको मैं दोबारा से npm स्टार्ट करता हूँ, ये क्या सीन है भाई, अभी तक मुझे ये वही होम दिखा रहा है।
अच्छा हो रहा है, ठीक है, एरर लाया है, मॉड्यूल नॉट फाउंड लोगो डॉट एस वी जी। अच्छा इसमें कुछ एक लोगो डॉट एस वी जी हुआ है, नहीं चाहिए भाई, ऐप डॉट सी एस एस नहीं चाहिए, और सेट हो गया, हाँ सेट हो गया। अब ये प्रोडक्ट का जो नाम वाम लिखने वाला आइटम यहाँ पे आ चुका है, अभी भी कॉन्सोल पे कुछ एरर्स हैं आई थिंक इसके, नहीं कोई एरर नहीं है। होम डॉट जे एस एक्स लाइन नंबर 17। अब ऑब्वियसली होम डॉट जे एस एक्स में ये जो ऐप मैं दूसरी ऐप से कॉपी करके लाया हूँ उसको मुझे थोड़ा सा जाहिर है मॉडिफाई करना होगा। यहाँ पे जैसा कि ऐप डॉट गेट में क्या चल रहा है, यहाँ पे बेस यू आर एल इस तरह से चल रहा है, तो मुझे बेस यू आर एल क्या करना होगा, इसका अपडेट करना होगा बेस यू आर एल, सही है। तो मैं बोलूँगा कि डॉलर, ठीक है, स्टेट डॉट बेस यू आर एल। अब मसला ये है कि स्टेट इसमें इसको पता ही नहीं है स्टेट क्या चीज़ है, तो मैं क्या करूँगा, जो ग्लोबल स्टेट है वो यहाँ ला के इनिशियलाइज़ करवाऊँगा ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट एपीआई से। तो वो मेरा कहाँ पे बना हुआ है, ऐप डॉट जे एस एक्स में बना हुआ है ना, इस तरह से बनता है। तो मैंने यहाँ पे ग्लोबल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाया। ग्लोबल स्टेट को क्या चाहिए होता है, ये चाहिए होता है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ये मैंने इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पर। और अब क्या रह गया, यूज़ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं हुआ है, तो मैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट करवा लेता हूँ, ठीक है। अब क्या नहीं मिल रहा इसको, अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट जो है ना इसको ऐसे नहीं मिल रहा, अब मिल गया, सही है। एक फोल्डर पीछे था तो पाथ इसको मैंने प्रॉपर दिया तो ये इसको पता चल गया, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने एम्प्टी और हार्ड रीलोड किया। अच्छा अभी ये अब रिक्वेस्ट करता है ये https://localhost5001v1/product और इसको ये 401 बता रहा है। 401 क्यों बता रहा है भाई, ये तो नहीं बताना चाहिए, 401 क्यों बता रहा है इसको। अच्छा विद क्रेडेंशियल ट्रू नहीं लगा हुआ है इसमें, इसलिए बता रहा है। ये जितनी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं इसमें विद क्रेडेंशियल ट्रू नहीं लगा हुआ है। अच्छा ये विद क्रेडेंशियल ट्रू वाला जो मसला है ना, ये मैं कैसे हल करूँगा, मैं एक सेटअप करूँगा इंटरसेप्टर, क्योंकि अभी ये इतनी सारी रिक्वेस्ट है, अब कहाँ कहाँ मैं चेक करूँगा कि लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है या क्या लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे ऐप डॉट जे एस एक्स में आऊँगा और यहाँ पे मैं ये जो यूज़ इफेक्ट है ना इसका, यहाँ पे मैं एक यूज़ इफेक्ट और बना लूँगा और यहाँ पे मैं सेटअप करूँगा इंटरसेप्टर, सही है। यहाँ पे भी कर सकता हूँ मैं और इंडेक्स डॉट जे एस में भी कर सकता हूँ, ठीक है, एक ही बात है। तो अच्छा इंटरसेप्ट या इसमें एग्जिस्टिंग जो यूज़ इफेक्ट है मेरा इसमें भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा एक बात और भी है कि अगर एक ही कंपोनेंट के अंदर दो यूज़ इफेक्ट लगे हुए ना साइड बाय साइड, तो कौन सा पहले चलेगा ये बता नहीं सकते, ठीक है। तो उससे होगा ये कि मैं इसके साथ में अगर लगाता हूँ ना तो मुझे इस वाली रिक्वेस्ट में ये क्रेडेंशियल ट्रू लगाना पड़ेगा आराम में, ठीक है, वरना समटाइम इसको ये मिलेगा समटाइम इसको नहीं मिलेगा ये, तो ये वाला एक केस है। वेल अभी तो यूज़ इफेक्ट पहले यहाँ तो लगाए हम, तो मैंने यूज़ इफेक्ट बनाया और इसके अंदर मैं एग्जियोस का इंटरसेप्टर लगाने लगा हूँ। अच्छा वो लगेगा कैसे, एग्जियोस डॉट इंटरसेप्टर, ठीक है। अब एग्जियोस डॉट इंटरसेप्टर हम डॉक्यूमेंट से देख लेते हैं, ठीक है, इंटरसेप्टर इनकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। अच्छा आप क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट जाने वाली रिक्वेस्ट को भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं और रिस्पॉन्स को भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो करता क्या हूँ मैं, इन दोनों को मैंने दोनों पे करना है, कॉपी किया और कॉपी करते ही मैं क्या करूँगा, इधर ला के ना इन दोनों को लगा दूँगा ऐसे, ठीक है, इंटरसेप्टर डॉट यूज़ डॉट कॉन्फिग दिस दिस दिस। ये इंटरसेप्टर अटैच हो गया दोनों में। अब देखो गौर से इसको देखो क्या करना है, हर जाने वाली रिक्वेस्ट में ना मुझे कॉन्फिग मिलता है, मैं यहाँ पे आके बोलूँगा config dot with credentials equals to true, तो ये हर जाने वाली रिक्वेस्ट ना इधर से गुजर के जाएगी, तो अगर उसमें क्रेडेंशियल ट्रू नहीं भी लगा होगा तो यहाँ से लग के चला जाएगा। तो अब मेरा मसला वो वाला हल हो जाना चाहिए जो 401 बता रहा था, मैं रिफ्रेश करूँगा 401 नहीं आया एटलीस्ट, सही है, रिस्पॉन्स आ गया गेट ऑल द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट खाली है लेकिन आ गया, 401 नहीं मिला मुझे, इसका मतलब है मेरा इंटरसेप्टर बिल्कुल सही चल गया। अच्छा दूसरा काम मैं ये करूँगा कि वापस आने वाला जो रिस्पॉन्स है ना
उसमें भी मैं क्या करूँगा, मुझे रिस्पॉन्स पूरा का पूरा रिस्पॉन्स मिलते हैं, मैं देखूँगा कि भाई रिस्पॉन्स जो है ना, अगर मेरा इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल्स इक्वल्स है 401 के, ठीक है, तो फॉरन क्या करवा दो आप, क्या करवाना चाहिए मुझे, मतलब मैं लॉगआउट के क्लिक पे क्या करवाता हूँ, लॉगआउट करवाता हूँ एक्चुअली। तो वैसे अगर मिसाल के तौर पे मेरा टोकन एक्सपायर हो गया या कुछ एक्सपायर हो गया और मैंने एक रिक्वेस्ट की और सामने से 401 आ रहा है, सामने से 401 आ रहा है मेरे पास, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इंटरसेप्ट करूँगा मैं हर आने वाले रिस्पॉन्स को, और मुझे जहाँ दिखेगा ना 401 मैं फ़ौरन लॉगआउट का ये लॉगआउट कॉल करवा दूँगा, लॉग आउट हैंडलर है ना जो, इस लॉग आउट हैंडलर को कॉल करवा दूंगा, सही है। अच्छा, ये लॉग आउट हैंडलर नहीं तो एटलीस्ट ये डिस्पैच लगवा दूंगा मैं, ठीक है, डिस्पैच तो लगवा ही सकता हूँ मैं बहुत इजीली। तो मैं बोलूँगा कि अगर 401 है तो आप क्या करो, डिस्पैच लगवा दो कि भाई बंदा लॉग आउट हो चुका है, ताकि फ्रंट एंड पे वो फ़ौरन आपको लॉग इन के पेज पे लेकर आ जाए, सही है। इसको भी हम चला के देखते हैं, मैंने रिफ्रेश किया और अब मैं क्या करता हूँ, इसका टोकन उड़ाता हूँ यहाँ से यार, लेकिन टोकन उड़ाने के बाद मैं गेट कैसे करूँगा इसको, गैलरी पे आया, अच्छा गैलरी पे जाके जब मैं वापस होम पे जाता हूँ तो रिक्वेस्ट लगती है इंटरनेट पे, तो मैं गैलरी पे चले जाता हूँ और बल्कि मैं अबाउट पे चले जाता हूँ और यहाँ से जाके टोकन उड़ा देता हूँ हाथ से, टोकन उड़ा दिया मैंने। अच्छा, तो अबाउट पे हूँ मैं, गैलरी पे गया, अबाउट पे गया, तो कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे ही मैं कोई एपीआई की रिक्वेस्ट लगाऊंगा ना, होम पे जाऊंगा मैं, तो इसको क्या कर देना चाहिए था, इसको लॉग आउट कर देना चाहिए था, सही है। अच्छा, 401 आया भी है लेकिन यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं हो पाया ये किसी वजह से, ये मैंने कॉन्सोल भी लगाया लेकिन ये कॉन्सोल भी चला नहीं है, कॉन्सोल भी चला नहीं है। ओके, ये असल में मैंने लास्ट में ना एम्प्टी एरे नहीं लगाया, तो वो इस वजह से शायद गड़बड़ कर रहा है। मैंने कहा साइन इन हो गया और टोकन मैंने यहाँ से अब रिमूव करना है हाथ से, हाथ से टोकन रिमूव करने का मतलब है ये एक्सपायर हुआ है खुद से या कुछ हुआ है। अबाउट में गया, होम पे गया, गेटिंग एरर इन प्रोडक्ट्स, ये इधर इंटरसेप्ट हो ही नहीं रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। एग्जॉस्ट डॉट इंटरसेप्टर रिस्पॉन्स डॉट यूज दिस इफ अच्छा मैं वापस गैलरी पे आ गया, वापस जाऊंगा तो भी नहीं कर रहा। एक मिनट यार, मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया इंटरसेप्टर में। ओके, गॉट इट, वो असल में हो ही रहा है, मैं समझ गया क्या हो रहा है, वो असल में हो ये रहा है कि 401 को ना वो इधर सक्सेस में नहीं लाता, इधर एरर में लाता है, समझ लो, तो वो असल में ये वाला चलेगा ही नहीं क्योंकि एरर इधर जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यही वाला इफ़ जो है ना एक और, वो इधर भी लगा दूँगा। बाय द वे, वैसे 401 पे कभी भी इधर नहीं आएगा, तो मैं कट ही कर देता हूँ इसको यहाँ से। 400 वाले को तो सबको एरर में लेता है ना, तो वो एक्चुअली मुझे यहाँ लगा रहा है हर हाल में। और मैं क्या करूँगा, एरर डॉट, यहाँ देख लेता हूँ ना मैं कैसे आ रहा है इधर, एरर डॉट कोड नहीं, एरर डॉट स्टेटस कहाँ दे रहा है ये, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ये एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, हाँ एरर है यहाँ पे एक्चुअली, यस ये एरर है। एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, सही है, वो एक्चुअली यहाँ पे से उसको पकड़ेगा। अच्छा, डिस्पैच करते ही क्या हो जाएगा, मेरा यूज़र भी नल हो जाएगा सब। अच्छा हाँ, ये एक चीज़ और, चलो पहले इतने को करते हैं फिर वो आगे देखते हैं क्या है। ये मैंने लॉगिन किया, लॉगिन हो गया, अबाउट गैलरी होम, अबाउट गैलरी होम, सही है। अच्छा, अब मैं हाथ से जाके टोकन को रिमूव करता हूँ तो
ठीक है डन हो गया। अब मैं अबाउट में जाता हूँ, गैलरी पे जाता हूँ तो कुछ नहीं होगा, जैसे ही होम पे जाता हूँ तो ये ठक लॉग आउट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसको पता चल जाता है कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या है, 401 हो चुका है। ठीक है, अच्छा एक दफ़ा मैं अनडिफाइंड भी आया भाई, दाई ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा पता नहीं वो डबल डबल चल रहा है। खैर तो मैंने यहाँ पे इंटरसेप्टर लगा दिया, तो अब कहीं पे भी कोई भी ऐसा काम होगा ना जहाँ पे अब मुझे हर जगह जगह चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर 401 है तो ये करो वो करो, जगह जगह मुझे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लॉगआउट हैंडलर में मैंने ये काम किया है, लेकिन शायद अब मैं यहाँ से हटा भी दूँ तो भी मसला नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको हटा भी दूँ तो अगर लॉगआउट हो गया है बंदा तो फिर वो कुछ भी करेगा तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमने ये इंटरसेप्टर का सेटअप कर दिया इधर, और अब हमारे पास और क्या रह गया, हमारे पास अब और ये रह गया कि हाँ प्रोडक्ट ऐड बाकायदा यहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही, वो ज़रा चेक कर लेते हैं। सही है, प्रोडक्ट ऐड हो रही है, गुड। एक और ऐड कर देते हैं, डिफरेंट प्राइस डिफरेंट टाइटल के साथ, सबमिट। सही है, अच्छा अब ये प्रोडक्ट ऐड कर रहा है ये बंदा, या आप इमेजिन कर लेंगे ये एक पोस्ट है, सही है, फेसबुक है एक एंड में। तो ये जो प्रोडक्ट ऐड कर रहा है, अब मेरे पास एक दूसरा भी यूज़र है ना, लॉग आउट किया मैंने और मैं एक दूसरे यूज़र से उसमें लॉग इन करता हूँ। अच्छा ये नहीं है यूज़र, कौन सा था मेरे पास, ये वाला था, वो इसको भी दिख रहा है डेटा ये वाला। तो अब मैं ऐसा क्या करूँ कि ये इसकी प्रोडक्ट सिर्फ इसको दिखे, उसकी प्रोडक्ट सिर्फ उसको दिखे, ऐसा मैं क्या करूँ? तो मुझे इसके लिए ज़ाहिर है ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जब भी आप कोई ऐप बनाएंगे ना, तो ये चीज़ें तो उसमें आएंगी ऑब्वियसली, कि भाई अगर आप मिसाल के तौर पर एक मेरी पोस्ट है एक सब लोगों की पोस्ट है, ये आप लोग शायद फायरबेस में एक दफ़ा कर चुके हैं, किस में किया था ये, कैसे किया था फायरबेस में ये काम? अच्छा सबको दिखती थी, आपकी पोस्ट सिर्फ आपको दिखे, वो कभी भी नहीं किया? अच्छा अच्छा, तो वो हम कर लेते हैं अभी। वो किया है, एक अलग से सेक्शन बनाया था प्रोफाइल का, उसमें सिर्फ हमारी पोस्ट दिखती थी और एक होम पेज में सबकी पोस्ट। नहीं वो किया कैसे था? कुछ आवाम चली गई है मेरे घर, एक दो ये सारे हैं। सही है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो वो पता नहीं, मेरे ख्याल अलग कलेक्शन वलेक्शन बना के कुछ किया था इस तरह। हाँ अच्छा, MongoDB में ये काम कैसे होगा अब हम वो डिस्कवर कर लेते हैं। अरे बस यही बात है ना, ये करके ख़त्म करते हैं हम। सही है, दो मिनट का किया। अच्छा तो अगर मुझे प्रोडक्ट स्कीमा के अंदर, सही है ये प्रोडक्ट स्कीमा है ना, अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर एक ऑनर भी डालूँगा मैं। सही है, एक ऑनर डालूँगा मैं। अच्छा और ऑनर कौन होगा, टाइप उसकी होगी एक मिनट, ये ऐसे नहीं होगा, मोंगोस डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। यस ठीक है, इसकी टाइप होगी मोंगोस डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और मैंने क्या कर दिया इसको रिक्वायर्ड भी कर दिया कि भाई इसके बगैर क्या हो, ये सबमिट ही ना हो। और नाम मैंने इसका रख दिया ऑनर, कि जो भी इसका ऑनर है उसकी आईडी यहाँ पे होगी। नहीं वो तो हाँ मुझे रेफ करके उसको देना पड़ता है। एक एक मिनट ही हम देख लेते हैं ना मोंगोस की डॉक्यूमेंटेशन से, वो कहीं जा थोड़ी रही है।
मोंगोज क्या में स्कीमा टाइप में जाएंगे तो वो मिल जाएगा हमें, सही है कि ये ऑब्जेक्ट आईडी स्कीमा टाइप में कैसे रखवाते हैं, ये है हमारी ऑब्जेक्ट आईडी, सही है, क्लिक किया मैंने, इन्होंने बता दिया भाई ऐसे होगा, अबे क्या बताया ये, नहीं वो रेफ रखवाना ज़रूरी नहीं है, वो पॉपुलेशन में ज़रूरी है, इन्होंने बोला बस यहाँ पे ऐसे लगा दो मोंगोज डॉट ऑब्जेक्ट आई डी, यही तो बात है ना, अभी अभी पॉपुलेशन क्या है अभी ये तो बताना पड़ेगा, फिर इसमें लंबा टाइम लगेगा और तुम लोगों को जाना है घर, ठीक है, तो मोंगोज डॉट ऑब्जेक्ट आई डी जैसे उन्होंने बताया ना मैंने वैसे यहाँ पे लगा दिया, अब देखते हैं अगर कोई एरर वेरर दिया इसने तो फिर हम देखेंगे, ठीक है, तो अच्छा उस तरह भी सही था वैसे मोंगोज डॉट स्कीमा टाइप्स करके जो आ रहा था ना उस तरह भी सही था, अच्छा अब मैंने क्योंकि इसको ऑनर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट का हमारा APIs थी ना जो प्रोडक्ट डॉट MJS, अब यहाँ पे प्रोडक्ट जहाँ पे ऐड होता है वहाँ पे मुझे क्या करना होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टोकन डॉट करके जो मुझे मिलता है वो मुझे यहाँ रखवाना होगा, सही है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ डिस्क्रिप्शन के बाद ऑनर लिखूँगा और ऑनर लिख के बॉडी डॉट क्या था टोकन डॉट यूज़र नहीं था अंडर स्कोर आई डी था डायरेक्शन, अभी हमने वहाँ निकाला था ना, किधर निकाला था हमने एक और जगह ऑथ में निकाला था, सॉरी ऑथ में नहीं ये इधर ही मेन पे निकाला था हमने, यहाँ पे देखते हैं ना हमने क्या रखा हुआ था इसका नाम, ये था ना गेट प्रोडक्ट में रिक्वेस्ट डॉट टोकन डॉट अंडर स्कोर आई डी, ठीक है बॉडी डॉट टोकन डॉट अंडर स्कोर आई डी, तो एक्चुअली बॉडी मैंने क्या किया हुआ है यहाँ शुरू में ही अलग किया हुआ, तो इसी बॉडी के अंदर मुझे डॉट टोकन अंडर स्कोर आई डी ऐसे करके मिल जाएगा, अच्छा इस आई डी को मैं ऐसे करके रखवाऊंगा ना तो समटाइम ये एरर देता है, तो इसको मुझे पार्स करना होता है, ठीक है इसको मुझे क्या करना होता है पार्स करना होता है, तो पार्स करना यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ होगा एक्चुअली कहीं ना कहीं, सही है ऐसे करके ये पार्स हो गया एक्चुअली, सही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऐसे करके ये पास होगा, ठीक है अच्छा सम टाइम पार्स ना भी करें तो उसको समझ आ जाता है, लेकिन एक्चुअली आपको क्या करना होता है इसको पार्स करना होता है, तो पहले तो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ ताकि वो पुराना डेटा आपका उड़ जाए डेटाबेस से, और अब की बार आके मैं एक नया प्रोडक्ट ऐड करता हूँ कुछ डिस्क्रिप्शन के साथ और सबमिट करता हूँ, ये क्या हुआ अच्छा 500 हो गया इंटरनल एरर, ये इधर ही ब्रेक हुआ होगा एक्चुअली, क्या बोला इसने ब्रेक होते हुए, इसने बोला मोंगोज इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा मोंगोज यहाँ पे ऊपर इम्पोर्ट नहीं हुआ होगा, मोंगोज को इम्पोर्ट करना है तो यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है यहाँ पे मोंगोज इम्पोर्ट नहीं हुआ था इसलिए उसने एरर दे दिया, सही है चल गया भाई अब दोबारा करते हैं, हो गया ठीक है, अब की बार जो ये प्रोडक्ट्स आए होंगे इसमें ऑनर भी आ रहा होगा ऑब्वियसली, ठीक है ये देखो ऑनर की आईडी अब आ रही है मेरे पास, ठीक है तो मैं 2-4 प्रोडक्ट्स और इसमें ऐड कर देता हूँ, अभी गेट करने वाले को भी मॉडिफाई करना होगा ना जो गेट हो रहा है जहाँ उसको भी तो मॉडिफाई करना होगा ना, अभी तो सिर्फ पोस्ट पकड़ते हुए मैंने ऑनर की आईडी डाली है तो ये काम मेरा कंप्लीट हो गया, अब गेट करते हुए जो तमाम प्रोडक्ट्स गेट करते हैं ना इसमें मुझे क्या करना होगा, इसमें मुझे यूज़र आईडी उठानी होगी और वो मैं कैसे उठाऊंगा टोकन के अंदर मौजूद है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टोकन डॉट अंडर स्कोर आईडी, सही है यूज़र आईडी मिल गई मुझे, अब मैं क्या बोलूँगा कि ऐसे फाइंड करके लाओ जिसमें
ऑनर क्या हो, ये हो यूज़र आईडी। अच्छा, इस यूज़र आईडी को भी मुझे देते हुए इसको पार्स करके देना होगा एक्चुअली, सही है। अच्छा, सम टाइम पार्स करके ना भी दें तो भी चल जाता है, लेकिन पार्स करके इसको देना होता है हमें, वो ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। तो पार्स हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर किया हमने इसी तरह हम इसको पार्स करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं पे ही पार्स कर लेता हूँ, ठीक है। ऊपर ही मैंने इसको पार्स कर लिया ताकि ये पार्स हो चुका हो जब मैं इसको यहाँ पे पार्स करूँगा, ठीक है। तो अब होगा क्या है कि जब भी कोई गेट करेगा ना प्रोडक्ट को, जब भी कोई गेट करेगा तो बाई डिफ़ॉल्ट उसी का ही प्रोडक्ट उसके पास आएगा। फाइंड पे मैंने ये क्राइटेरिया लगा दिया कि ये वाला हो, ठीक है। अच्छा, और फाइंड पे मैं एक क्राइटेरिया और भी लगा देता हूँ कि भाई आपका जो है ना, जो लास्ट में ऐड हुआ है अच्छा, इसको मेरे ख्याल है मैंने रिवर्स मारा हुआ है फ्रंट एंड में, राइट। बेहतर तरीका ये है इसको करने का कि मैं यहीं पे क्या लगाऊँ, डॉट सॉल्ट करूँ और उसको सॉल्ट करके मैं मंगवाऊँ और उसकी प्रोजेक्शन वगैरह जो करनी है वो भी मैं यहीं पे करूँ। तो मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, ओके, प्रोजेक्शन के बाद हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। ऑप्शंस में क्या होता है, हमारे पास सॉल्ट का एक ऑप्शन होता है, हाँ बताओ, अंडरस्कोर आईडी और इक्वल्स टू माइनस वन, सही है, सेट है। ये तो नहीं हुआ सॉल्ट, वन लगा के देख लेते हैं, वन से तो सीधा ही सीधा आएगा ना वो, हाँ भाई सॉल्ट क्यों नहीं हो रहा है बताओ। वैसे तो माइनस वन ही लगेगा इसमें, लेकिन ये सॉल्ट हुआ क्यों नहीं। अच्छा नहीं, ये असल में सॉल्ट ऐसे देना होगा ना इसको हमें, ये हमें डायरेक्ट थोड़ी ना चलेगा, ऐसे करके चलेगा ये, मेरे पास क्वेरी है इसकी, सही है। सॉल्ट मैंने इसको ऐसे ऑप्शन में करके दिया, सही है, सॉल्ट हो गया, अपोजिट हो गया ये। अच्छा, सॉल्ट के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें लिमिट लगा सकता हूँ कि भाई लिमिट हमेशा ये क्या लाए, 100 से ज़्यादा ना लाए कभी भी, सही है, लास्ट के 100 लाए, हो सकता है मेरे पास मिलियन रिकॉर्ड हो, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ इसके अलावा, प्रोजेक्शन कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और भी काफ़ी सारे हैं, स्किप कर सकता हूँ मैं, स्किप मैं उस सूरत में करता हूँ जब मैंने पेजिनेशन करवानी होती है ना, तो मैं उस सूरत में स्किप करता हूँ। मतलब लिमिट तो है 100, लेकिन 100 कहाँ से, बिल्कुल लास्ट वाला 100, यानी पहली दफ़ा जब पेज लोड होगा तो स्किप 0 होगा और लिमिट 100 होगी, तो पहला 100 उठा के ले आएगा वो लेटेस्ट। अब अगला पेज जब जाएगा ना, तो जाहिर है अब स्किप को मैं क्या करूँगा, 100 करूँगा, कि 100 स्किप करो उसके बाद वाला 100 लो। फिर तीसरे पेज पे जब जाएगा वो, तो स्किप को 200 करूँगा, कि 200 को स्किप करो फिर 100 ले करो। तो ऐसे करके पेजिनेशन मेरी चलती रहेगी। इसमें फ़िलहाल अभी तो कोई फ़र्क नहीं फील होगा आपको, क्योंकि अभी ऑलरेडी वो 100 से कम है और दूसरे पेज की कोई सेटिंग हमने फ़िलहाल की नहीं है यहाँ। अच्छा, तो ये सारे काम हो गए मेरे। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि जब मैं दूसरा कोई बंदा लॉगिन करवाऊँगा, तो उस वो जब प्रोडक्ट गेट करेगा तो उसको सिर्फ उसी के ही प्रोडक्ट मिलेंगे, किसी और के प्रोडक्ट उसको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। अब ये शायद इस केस में प्रोडक्ट सही कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है कह लो, ठीक है। तो इसको शायद अगर मैं फेसबुक की पोस्ट वाला बनाता तो शायद ज़्यादा मेक सेंस रहता कि यार मेरी पोस्ट है, तो जब मैं अपना प्रोफाइल करूँ तो मुझे सिर्फ मेरी पोस्ट दिखे, ठीक है, तमाम लोगों को ना दिखे। लेकिन वेल, प्रोडक्ट्स में भी ऐसा हो सकता है कि यार अभी जैसे मैंने एक स्टोर बनाया हुआ है, अभी दराज का मैंने एडमिन पैनल खोला हुआ, तो मैं जब खोलूँ तो मुझे मेरी प्रोडक्ट्स दिखनी चाहिए, ठीक है। हालाँकि ऐसा नहीं कि वो प्रोडक्ट प्राइवेट नहीं है, पब्लिक सब कुछ, लेकिन मेरे केस में मुझे देखनी चाहिए कि मेरी प्रोडक्ट, ताकि मैं उसको मॉडिफाई वगैरह जो भी करना है वो करूँगा, सही है। तो मैंने ये कर दिया काम।
अच्छा, अगर प्रोडक्ट को कोई आईडी से गेट करता है फिर तो बात ही ख़त्म हो गई, वो उस आईडी से उठा के लाएगा, ठीक है, डिलीट करते हुए भी आईडी देगा और पुट करते हुए भी आईडी देगा। तो अब मैं इस चीज़ को ज़रा वेरीफाई कर लेता हूँ। अच्छा, फ्रंट एंड से पहले ये रिवर्स तो हटाऊँगा, फ्रंट एंड में ये किधर है भाई, SRC components home.jsx, ये गेट ऑल प्रोडक्ट के बाद रिवर्स जो मैं करता हूँ इसको रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। अब ये वैसे ही मुझे अपोजिट दिखेगा। अच्छा, अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से लॉगआउट, और लॉगआउट करके मैं, अच्छा ये तो वही यूज़र आ गया ना, मैं दूसरा यूज़र लॉगिन करने लगाऊँ जो मलिक के सिंगर वाला था, सही है। इसको लॉगिन किया मैंने तो इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं आ रही। अब इसमें मैंने प्रोडक्ट किया भाई, न्यू प्रोडक्ट, प्राइस कुछ सेट की और कुछ डिस्क्रिप्शन दिया, सबमिट, तो ये इसी बंदे को दिखेगा। रिफ्रेश किया मैंने इसका एक ही प्रोडक्ट, ठीक है, लॉग आउट किया, वापस उस वाले पे जाता हूँ, मेडी गेट्स इस बार, इसकी प्रोडक्ट जो थी वो इसको नजर आ रही है, सही हो गया, मेक सेंस है ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं। अच्छा, अगला काम हमने जो करना है इसमें, शायद मोस्ट प्रॉब्ली उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक तो मल्टी रोल लॉगिन हमने अभी तक वो भी नहीं किया, ठीक है, मल्टी रोल लॉगिन हमने नहीं किया। एक और चीज़ अभी मेरे जहन में आ रही थी, वो भी हमने नहीं किया, क्या कह रहे हो, सॉकेट आया तो अभी यही वाले, इतनी सारी चीज़ें हमारी रहती हैं। फॉरगेट पासवर्ड नहीं हुआ, ऑब्वियसली फॉरगेट पासवर्ड नहीं हुआ। हमने अभी ईमेल भिजवाने का तरीका देखना है कि ईमेल कैसे भिजवा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो फॉरगेट पासवर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चेंज पासवर्ड कैसे होगा, पासवर्ड अगर चेंज करना है तो वो कैसे होगा, मतलब JWT के अंडर में रहते हुए, सही है। OTP हम बना के भेजते हैं यूज़र को, OTP वो वापस मुझे बताता है, उससे मेरा पासवर्ड चेंज होता है। क्योंकि देखो, ईमेल और पासवर्ड से जब वो साइन अप हुआ था तो पासवर्ड तो वो भूल गया, पता है उसको सिर्फ ईमेल। अब ईमेल लिखेगा वो फॉरगेट पासवर्ड में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ईमेल भेजूंगा मैं उसको। अब वो ईमेल कैसे भेजी जाती है, अब ईमेल पे मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं एक OTP भेजूं उसको, एक ऐसा कोड जो थोड़ी देर में एक्सपायर भी हो जाए, और वो एक शॉर्ट कोड हो और वो एक यूनिक कोड हो, उसी के साथ एसोसिएट हो। अब ये MongoDB में रहता है, ये कैसे होगा ये काम। अच्छा, फिर जब उसको ईमेल मिलेगी तो वो वापस उसको कैसे API में रख के भेजेगा, और फिर हम उसका पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे, ये सारा काम ना हमने अगली क्लास में करना है, मुझे याद दिला देना। सॉकेट आयो तो खैर हो गई उसकी, वो तो कोशिश करेंगे हम कि सॉकेट आयो भी साथ में निपटा लें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हर ऐप में लगेगा ही लगेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अच्छा, ये बॉयलर प्लेट कोड भी है एक तरह का, हर कोड में लगेगा, तो एक बार आपने अच्छे से समझ के लिख लिया कोड तो दैट्स इट, दोबारा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सॉकेट आयो ऑन अदर हैंड बहुत कम प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है, बहुत कम प्रोजेक्ट से मतलब ये है कि मेनली प्रोजेक्ट में ना रियल टाइम कंप्यूटिंग बहुत थोड़ी होती है, किसी एक खास पार्ट में होती है, जैसे नोटिफिकेशंस में होती है कि रियल टाइम आ रहे होते हैं, ठीक है, या कहीं पर चैट हो रही है तो वहाँ पे होता है। अदरवाइज़ ये प्रोडक्ट ऐड होना, कोई बाय पे क्लिक कर रहा है, तो 90% ऑफ द थिंग्स जो है वो रियल टाइम पर नहीं चल रही होती, और उसको हर चीज़ को रियल टाइम पर करना भी एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि रियल टाइम जो सॉकेट्स होते हैं वो जितने यूज़र आपके कनेक्ट होते जाएंगे सॉकेट से, वो रैम में जगह लेता है, तो ज़्यादा यूज़र अगर सॉकेट से कनेक्ट होते हैं तो आपका सर्वर के रिसोर्सेज फौरन ओवरफ्लो हो सकती है। तो बेहतर ये है कि सॉकेट जो है वो कम से कम कनेक्ट किए जाएँ, और सॉकेट के ऊपर लोड कम से कम हो, ठीक है। तो हमने आज के लिए जो कर लिया है कि वो दो बंदों का जो था ना वो अलग कर दिया। अच्छा, दूसरा ये एक काम इसमें और भी हमें करना चाहिए ऑब्वियसली, कि जब डिलीट का बटन जब दबाए ना कोई, तो वो उसको चेक करेगा यार ये ऑनर है या नहीं है इसका, उसके बगैर उसको वो डिलीट ना करें, या एडिट, मिसाल के तौर पर मैं पोस्टमैन से डायरेक्ट अगर API कॉल कर दूँ तो मैं किसी और की पोस्ट भी डिलीट कर सकता हूँ, उस पर कोई ऑथेंटिकेशन थोड़ी है, अभी टोकन मेरा होगा, ऑथेंटिकेटेड यूज़र तो मैं हूँ, लेकिन मैं किसी और की पोस्ट डिलीट कर रहा हूँ, कोई और ऑनर है उसका, तो मुझे क्या करना होगा, एडिट और डिलीट में एक चेक लगाना होगा कि पहले मैं उस पोस्ट को उठा के लाऊँगा, चेक करूँगा कि ये जो बंदा आया है इसकी जो अंडरस्कोर ID और ऑनर की वो सेम है, अगर वो सेम है तो फिर मैं क्या करूँगा, उसको डॉट रिमूव उस पर कॉल करूँगा कि भाई इसको रिमूव कर दो। दूसरी बड़ी बात, कभी भी कोई चीज़ डेटाबेस में से रिमूव नहीं की जाती, सही है, आप सब लोगों को पता होगा ये कि फेसबुक की पोस्ट अगर आपने की थी, आपने उसको डिलीट कर दिया,
तो मोस्ट प्रोबेबली पीछे क्या होता है बैकएंड पे कि वहाँ पे जाके ना एक आपके पास मॉडल्स में गया मैं और यहाँ पे प्रोडक्ट स्कीमा है ना, ये ऑनर लगाया था मैंने, तो यहाँ पे इज़ डिलीटेड होता है एक, ठीक है। और मैंने कहा कि भाई टाइप इसकी जो है वो बूलियन है और डिफ़ॉल्ट जो है इसका वो फॉल्स है, सही है। इज़ डिलीटेड बाई डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा, सही है। जैसे ही कोई चीज़ को डिलीट करेगा तो ये इज़ डिलीटेड ट्रू हो जाएगा, और वो फिर आप जब उसको गेट करेंगे ना, आप गेट करते हुए ऑब्वियसली वो क्या करेगा, अभी गेट वाले पे चलते हैं प्रोडक्ट्स में, ये है ना गेट ऑल प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे ये क्या लगाएगा कि यूज़र आईडी ये वाली हो और कॉमा इज डिलीटेड जो है ना उसका फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। अगर इज डिलीटेड ट्रू है तो वो आपको मिलेगा ही नहीं यहाँ, तो आप जब गेट करेंगे तो आपको लगेगा कि वो नहीं आ रहा तो डिलीट हो गया, लेकिन एक्चुअल में वो डिलीट डेटाबेस से नहीं होता। तो ये इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम साथ साथ होपफुली कवर करते रहेंगे, तो क्योंकि हम हमारे पास जो डिलीट होता है उसमें हम एक्चुअल में डिलीट कर रहे हैं, तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, ये डिलीट एक्चुअल में अपडेट की एक रिक्वेस्ट हो जाएगी कि उसमें हम एक फ्लैग लगाएंगे कि भाई इज़ डिलीटेड ट्रू, ठीक है जी। तो इसके साथ ही हम आज की क्लास में यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।